हमारी आज की क्लास है सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम। पहले आप बताइए, सोशल सिस्टम के हवाले से आप लोग क्या जानते हैं? सोसाइटी किसे कहते हैं? फैसल, आप बताइए, सोसाइटी किसे कहते हैं? सोसाइटी जी, इजाज़ अहमद बताइए। किसी को नहीं पता सोसाइटी किसे कहते हैं? सोसाइटी मैम हम सबसे मिलकर बनती है। जैसे हम मतलब मैं आप और सब मिलकर एक सोसाइटी बनती है। मैम यही माशरा, मुझे पता है। ट्रांसलेशन हो जाएगा। जी मैमुना, आप बताइए। मैम सोसाइटी एक माशरे को कहते हैं जहाँ पर सारे लोग मिलकर रहते हैं एक साथ, इस तरह एक माशरे एक सोसाइटी बनाता है। अच्छा, देखिए सोसाइटी जो है ना, जैसे हम आज जो बात करेंगे, इससे पहले हमने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पर बात की, इस्लामिक कल्चर पर बात की। आज जो हमारा टॉपिक है वो, देखिए कल्चर और सोसाइटी ये इंटरलिंक होते हैं। सोसाइटी से फिर कल्चर, या सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं तो कल्चर, ठीक है। अब सोसाइटी क्या है और इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामिक सोशल सिस्टम क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आज की हमारी क्लास का जो कंटेंट है, सोशल सिस्टम क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, यानी इसके इस्लामिक सोसाइटी के बेसिक कंसेप्ट क्या है, और कुरान और हदीस हमें इस हवाले से क्या तालीमात देता है, एलिमेंट्स ऑफ फैमिली एंड ड्यूटीज, यानी जो फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, कौन कौन होते हैं और उनकी ड्यूटीज क्या है। फिर सोशल वैल्यूज, यानी इस्लामिक सोशल वैल्यूज क्या है हमारे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सोसाइटी क्या है। जब कुछ लोग मिलकर रहते हैं तो वो सोसाइटी, जैसे आपने बताया, मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है। इंसानी ग्रोह या जमात, यानी ग्रोह का मतलब है ग्रुप, इंसानी ग्रोह या जमात जो किसी मुश्तरक मकसद के तहत जमा हो और अपने मखसूस सकाफती और माशरती आदात के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा है। यानी कुछ लोग मिलकर रहते हैं, उन लोगों का मिलकर रहने को कोई मकसद होता है, ठीक है। अब जब वो लोग जमा होते हैं एक साथ, तो वहाँ ऑटोमेटिकली जब लोग जमा होते हैं तो एक कल्चर डेवलप होता है, और जो उनकी आदात होती है उसके मुताबिक जो जिंदगी गुजारते हैं वो मुआशरा कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन है सोशल सिस्टम। यानी अब सोशल सिस्टम क्या होता है? द सोशल सिस्टम इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ रूल्स दैट ऑर्गेनाइज ऑल द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर ऑफ लाइफ एंड ऑल द ब्रांचेस आर फ्रॉम देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। यानी अब देखिए, इंसान जो है मैन एंड वुमेन, ठीक है, जब इंसान, जब कुछ लोग रहते हैं और उनके जो आपस के ताल्लुकात होते हैं वो प्राइवेट और पब्लिकली, जो भी उनका ताल्लुक होता है आपस में, जो रिलेशनशिप होता है, तो ये सारी चीजें मिलकर एक सोशल सिस्टम बनाता है। उसमें जैसे फर्द का फर्द से ताल्लुक हो गया, जैसे बाप का बेटी से है, हस्बैंड का बीवी से है, और बाप का बहन का भाई से है, यानी सबका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होता है, वो एक साथ रहते हैं। और फिर इस तरह जब लोग आपस में सोशली जब मिलते हैं, पब्लिकली जब होते हैं, तो ये सारा जो है सोशल सिस्टम कहलाता है। अब लोग जो है, यानी इंसान दुनिया में हम देखते हैं, कहीं ट्राइब्स हैं, कबाइल हैं, कबीलों की शक्ल में लोग रह रहे हैं, कहीं बाकायदा कुछ आबादियां बनी हुई हैं, उस तरह लोग रह रहे हैं, यानी रहता है इंसान। तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है।
हम इंसान को सोशल एनिमल कहते हैं क्योंकि इंसान तनहा जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसे जरूरत होती है लोगों की। अगर किसी के कोई दोस्त ना हो, तनहा हो, तो हम यानी उस शख्स को काबिले रहम समझा जाता है, उसे बड़ी रहमत रहम की निगाह से देखा जाता है कि फला शख्स तनहा है, अकेला है, तनहा जिंदगी गुजार रहा है, उसका कोई है नहीं। तो इसका मतलब है कि इंसान के लिए सोसाइटी जो है वो मस्ट है, वो सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता। अब हम देखते हैं कि इस्लामिक सोसाइटी क्या है। अभी तक हमने बात की कि सोशल सिस्टम, अब यानी कहीं भी कोई भी है, मैन और वेमेन है, रहते हैं, शादी होती है, उसके बाद एक घर बनता है, बच्चे होते हैं और फिर मिलकर इस तरह पूरी एक सोसाइटी बन जाती है। तो दुनिया में तो पूरा सिस्टम यही चल रहा है, कहीं इससे डिफरेंट नहीं है कुछ। लेकिन एक सोशल सिस्टम जो एक दुनिया का है और एक फिर इस्लाम जो देता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है कि इस्लामिक सोसाइटी में क्या होगा, इस्लामी माशरे से मुराद इंसानों का वो इज्तिमा है जो जिंदगी के तमाम शोबों में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपने फराइज अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, यानी इस्लामिक सिस्टम क्या है, पहले हमने देखा कि लोग कुछ मकासद के लिए एक साथ रहते हैं। यहाँ पर क्या है कि लोग रहते हैं एक साथ, लेकिन उनके जिंदगी के जितने भी एरियाज हैं, जिंदगी का कोई भी शोबा है, वहां पर वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जो तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो वो फिर इस्लामिक सोसाइटी बन जाती है, क्योंकि वो जो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक है। जब कुरान और हदीस के मुताबिक होगा तो अंडरस्टूड बात है कि वो जो सोसाइटी बिल्ड होगी वहां पर वो इस्लामिक सोसाइटी ही बिल्ड होगी। ठीक है, यानी जहां पर लोग कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे अब पाकिस्तान में है हम, हमारी यहाँ पर जो भी सोसाइटी है ये इस्लामिक सोसाइटी कहलाती है, क्योंकि हम जो तालीमात फॉलो कर रहे हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक है। हमारा जो भी सिस्टम है, घर का है, वहां पर रहने का है, वहां पर ताल्लुकात का है, ये सारी चीजें हम कौन सी फॉलो करते हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक। ठीक है, इसलिए ये इस्लामिक सोसाइटी है। अब बेसिक बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी क्या है, यानी इस्लामिक सोसाइटी जो है उसका असल में जो बुनियादी तसव्वुर है वो क्या है। अब देखिए, इस्लाम से पहले क्या था, अरब के लोग जो थे, इस हवाले से हम जानते हैं कि वहां पर जितना झगड़ा फसाद रहता था, जिसका माई कौन है उन्हें, अब अरब मुआशरे में क्या होता था, वहां पर यानी जो ताकतवर था, जिसके पास अथॉरिटी थी, वो कमजोर को दबाता था। यानी ये तसव्वुर आम था कि जिसके पास अथॉरिटी होगी, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो कुव्वत वाला है, कमजोर उसे दबकर ही रहेगा, उस पर जुल्म भी होगा, उसका इस्तेहसाल भी होगा, ये चीज आम थी वहां पर। अमीन गरीब का बहुत फर्क था, इसी तरह मर्द और औरत का फर्क भी था। यानी औरतें जो थी उनको माशरे में इंसान नहीं समझा जाता था, बल्कि मर्द उसको ऐसे ही आम एक चीज और एक जानवर की तरह समझता है, जैसे वो अपने जानवर और गुलामों के साथ सुलूक करता था, ऐसा ही वो औरत के साथ भी करते थे। जिसका दिल चाहता था किसी के भी माल पर कब्जा कर लेता था, किसी पर भी डाका डालता था, यानी हर चीज बहुत थी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू होता था और वो झगड़े जो थे वो कबीले और बिरादरी तक फैल जाता था, और ये कबीले और सालों साल तक ये झगड़ा चलता था। ऐसा नहीं था कि 10 दिन चला और खत्म हो गया, बल्कि ये झगड़े चलते रहते थे और कभी कभार नस्लों तक भी ये जो झगड़े होते थे वो चलते रहते थे। किसी की इज्जत महफूज नहीं थी, माल महफूज नहीं था, कुछ पता नहीं होता था, कोई बाहर निकलेगा और जान से मार दिया जाएगा। यानी कोई सिस्टम नहीं था वहां पर, कोई अखलाकी पहलू नहीं थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से इंसान सुकून में हो, बल्कि जो ताकतवर था वो जिंदा था। जैसे एक जुमला आज कुछ अर्से पहले भी चला था कि सर्वाइवल के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है, तो सर्वाइवल के लिए सब कुछ नहीं किया जाता। ठीक है, अब उस वक्त भी क्या था कि बस जिसको लगता था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, फला से चीज छीन सकता हूँ और उसे अपना गुलाम बना सकता हूँ, तो ये सब कुछ बहुत आम चीज थी, और यही वजह थी कि गुलाम आम थे वहां पर।
और गुलामों से जितना बदतर सलूक किया जाता था उसकी मिसाल पूरी जिंदगी में नहीं मिलती कि किस तरह वो लोग करते थे। लेकिन उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ तो इंसानियत ने सुकून का सांस लिया। अब हुआ क्या कि इस्लाम ने सोसाइटी का एक ऐसा तसव्वुर पेश किया जिसमें हर इंसान की इज्जत इज्जत थी। वहाँ पर जो भी नस्ली कबायली और कौमी जो इस तरह के जो तसव्वुरात थे वो ख़त्म हो गए। यानी ये नहीं कि ये बड़े कबीले का है तो इसकी इज्जत होगी, ये छोटे कबीले से है तो इसकी इज्जत नहीं की जाएगी, फ़लाँ फ़लाँ नस्ल से है उसलिए उसे फ़लाँ जॉब नहीं मिलेगी, फ़लाँ फ़लाँ नस्ल से है इसलिए वो ये बड़ा काम कर सकता है, वो सरदार बन सकता है लेकिन फ़लाँ नस्ल का शाह सरदार नहीं बन सकता। ये सारे कंसेप्ट इस्लाम ने आने के बाद ख़त्म कर दिए। अब इस्लाम ने क्या किया, इस्लाम के आने के बाद जितनी भी चीज़ें थी वो अखलाकी बुनियादों पर जांची जाने लगी। देखिए हम अभी तक जितना भी पढ़ चुके हैं ना, जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको ये चीज़ ज़्यादा समझ आई होगी कि हमारे इस्लाम में एक चीज़ हमने देखी कि हर जगह इंसानियत का एहतराम मौजूद है, हर जगह अखलाक का तसव्वुर मौजूद है, चाहे वो मार्केट है, चाहे वो पॉलिटिक्स है या फिर सोसाइटी है। जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ हमें कुछ अखलाकी अकदार मिलती हैं, हमें कुछ एथिकल वैल्यूज सिखाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही छोड़ दिया गया कि जो चाहो जैसे चाहो कर लो। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर की जो कुछ ड्यूटीज थी उसमें भी हम देखते हैं कि मजदूर की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाएगा, उससे जो मायदा हुआ है वो पूरा किया जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या है, ये अखलाकी अकदार है कुछ जो हमें रोकती है बहुत सारी चीज़ों से। अब जब इस्लाम के आने के बाद माशरा बना तो वहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है ना इस्लामिक सोसाइटी के, वो यहाँ पे मैंने चार लिखे हैं, इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपको पता हो। सबसे पहला है मसावात, यानी इस्लाम जो दर्स देता है उसमें क्या चीज़ है कि इंसान के दरमियान मसावात कायम है। इस हवाले से हमने सूरह हुजरात की एक आयत भी लास्ट सेमेस्टर टर्म में लिखी थी कि हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौम और बिरादरियाँ बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। ठीक है, जो वहाँ हमने एक लफ्ज पढ़ा था कि बिरादरियाँ को जो कौम और बिरादरियाँ हैं ये पहचान के लिए हैं। ठीक है, और फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुमने सबसे ज़्यादा परहेजगार है। इसका मतलब है कि इक्वालिटी है, तमाम इंसान बराबर है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया खुलिका आदमा मिन तीन, यानी आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है और तमाम इंसान भी किससे हैं, मिट्टी से ही। जब सब मिट्टी से ही बने हुए हैं तो उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। तमाम इंसान जो हैं जो बनाए गए हैं उन सब के जज्बात एक हैं, उनकी ज़रूरतें एक हैं, तो फिर कैसे कोई बड़ा हुआ कोई छोटा हुआ। ठीक है, एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं, जब भाई हैं और तो फिर भाई के लिए तो हर इंसान के जज्बात अच्छे ही होते हैं। इसी तरह इस्लाम इंसानों के दरमियान यानी इस्लाम से हटकर हर इंसान की रिस्पेक्ट सिखाता है। तमाम इंसान बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, बल्कि जो बराबरी का मैार है वो क्या है, बराबरी का मैार है। यानी अगर किसी को अल्लाह ने बड़ा दर्जा दिया तो बड़े दर्जे का जो मैार है वो क्या रखा कि तकवा परहेजगारी। जो इंसान परहेजगार होगा, जो अल्लाह से जितना डरता है अल्लाह ताला के नज़दीक वो सबसे ज्यादा आगे है। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना अल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुअरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला आमालिकुम। कि अल्लाह ताला ना इंसान की इन्ना अल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम, यानी अल्लाह ताला ना तुम्हारे जिस्मों को देखता है, वला इला सुअरिकुम ना तुम्हारी सूरतों को देखता है, वलाकिन यंज़ुरु इला आमालिकुम बल्कि वो तुम्हारे आमाल को देखता है। यानी इंसान अल्लाह ताला इंसान के जो आमाल है उसको जो देखता है, उसे जिंदगी में जो देता है, ये सारी चीज़ों का जो मैार है ना वो आमाल है। उसका तकवा कितना है, वो अल्लाह से डरता कितना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं
बनिस्बत इसके कि किसी को अल्लाह ने खूबसूरत जिस्म दिया, किसी को खूबसूरत चेहरा दिया, तो वो मयार नहीं है वहां पे। मयार क्या है? आमाल। इसके बाद है रिस्पेक्ट। ये तो हम सब जानते हैं कि इस्लाम ने जब भी बात की है इंसान के एहतराम की बात की है, इंसानियत के एहतराम की बात हमें इस्लाम में हर जगह नजर आती है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, एक हदीस पढ़ी थी हमने कि सॉरी आयत है कि एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है। तो एक इंसानियत का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल कैसे हुआ? कि जब एक पर जुल्म होगा तो ये जुल्म सिर्फ एक तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये जुल्म बढ़ता रहता है और इस तरह इंसान इंसान को कुछ समझता नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं कि यानी एक इंसान अगर मर भी जाए ना, उसकी मौत भी वाकई होती है, तो उसे एक रिस्पेक्ट के साथ दफनाया जाता है, चाहे वो मुसलमान हो या मुसलमान ना हो। अगर वो मर गया तो उसके बारे में कहा जाता है कि अब उसके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करो, अब उसके बारे में जो उसने अच्छा किया है ना उसका जिक्र करो, लेकिन बुरे का जिक्र ना करो। वो क्या है? इंसानियत की इज्जत है, रिस्पेक्ट है उसकी। चाहे इस्लाम किसी ने इस्लाम के कोई इस्लाम के दायरे में है या नहीं है, रिस्पेक्ट सबकी की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई इस्लाम के इस्लाम से हटकर किसी और वे पे चलता है तो उसकी इज्जत नहीं होगी, बल्कि तमाम इंसानों की इज्जत है। तमाम इंसानों को वैसे ही रिस्पेक्ट दी जाएगी जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, और वो शख्स जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी काफिर था, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता था। तो जब वो शख्स आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने घर में बिठाया, उसे खाना खिलाया, उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आया। जब वो शख्स चला गया तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी वो हैरान हुई। तो आखिरकार उन्होंने पूछ लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये शख्स आपके बारे में इस तरह कहता है, और आपने इसके आपको इसने यानी इस इसको आपने बड़ी इज्जत दी, एहतराम से बिठाया, हालांकि आप चाहते तो आप इसके साथ कुछ भी कर सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी हमारी तरह का इंसान है। यानी हमारा अखलाक, हमारी जो रिवायात है वो हमें कहती है कि इंसान को एहतराम दो, चाहे वो जितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर वो तुम्हारे घर पर आता है तो उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उसे इज्जत दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद है सिक्योरिटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हुज्जतुल विदा, आप सब ये सारी चीजें बचपन से बहुत पढ़ चुके हैं, बस आज हम इसको शोर के साथ पढ़ रहे हैं कि हुज्जतुल विदा लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब ने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि उसमें था तुम्हारी जान, तुम्हारी माल, तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर हराम है। हराम क्या चीज होती है? कोई बताएगा हराम किसे कहते हैं? खबर आप बताइए। जिसमें जो इस्लाम में मना किया हो इस्तेमाल इस्लाम ने मना किया कर। तो वो हराम है जी। और कोई नेहा आप बताइए। यस मैम, जिसकी ममानियत तो इस्लाम में वो चीज हराम है। ठीक है, और कोई ऐड करेंगे इसमें? कुछ कोई एग्जांपल देगा इसकी हराम की? कौन सी चीजें हराम है? मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अब आ रही है? और सबको तो सही जाती है बच्चे। मैम यहाँ इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है शायद। अच्छा जैसे मैम हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि सूद हराम है, तो वैसे ही मतलब जो चीज सही नहीं है इस्लाम में हमें मना किया गया है, और मतलब जो हलाल नहीं है उसे हम हराम कहते हैं, बस यही। ठीक है, प्रोहिबिटेड मैम, जिससे हमें नुकसान पहुंचती है वो चीज हमारे लिए हराम करार दी गई है। जी। देखें, एक तो वो पॉइंट जो था कि जो इंसान के लिए सही नहीं है ना, जिसको जिससे इंसान को नुकसान होता है, वो इस्लाम में हराम करार दे दी पहले। अब वो जो चीजें हैं हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि हम ऐसी चीजों को हाथ लगाएं, ठीक है, जो हराम करार दी गई। तो इसी तरह इंसान की जान, माल और उसकी आबरू ये भी हराम है। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी, इस्लाम एक दूसरे से यानी इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि हर इंसान दूसरे इंसान से महफूज रहे, उसे
अपनी जान, अपने माल, अपनी इज्जत आबरू, इन चीजों का खतरा ना हो दूसरे से, उसे ये यकीन हो किसी इंसान से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और फिर मुसलमान की बात आती है तो इस्लामिक सोसाइटी में अगर कोई आएगा तो उसे ये वो इस बात पर मुतमईन रहेगा कि मुझे यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब जितने भी इस तरह के इश्यूज उठते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को मारते हैं, तो ये चीजें गलत हैं। अपने यानी ठीक है, हर इंसान का अपना एक नजरिया है, अपनी एक सोच है जिसके मुताबिक वो जिंदगी गुजार रहा है। अब ये उसकी चॉइस है, उसे करने दे जो वो करता है, वो जिस तरह जिंदगी गुजारता है गुजारने दे। कोई दूसरा उठ के उसको इस वजह से मारना शुरू कर दे, उसका खत्म कर दे कि तुम्हारी थॉट्स ऐसी क्यों है, तो ये बात गलत है। इस्लाम क्या कहता है, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक दुश्मन से मुकाबला नहीं किया जब तक कि कोई खुद से मुकाबले के लिए आया नहीं। यानी जब हमला हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन अपने आप को बचाने के लिए ही मुकाबला किया है। उसके अलावा हमें कहीं हिस्ट्री में ऐसा नहीं नजर आता कि मुसलमान खुद जाके किसी से लड़े। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता सिक्योरिटी और पीस भी यही चीज है कि इंसान जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमने कल भी पढ़ी थी कि वो शख्स मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो। अब पड़ोसी के बारे में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि वो शख्स मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी उसके शरारतों से महफूज ना हो, तो फिर ये चीज़ तो अगर हम ब्रॉड एस्पेक्ट में देखते हैं तो इसका मतलब है कि हमसे हर शख्स को हिफाजत में रहना चाहिए, हर शख्स को ये पता हो कि यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ हमें पीस मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये आयात कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है ताकि आप लोग दोबारा रीड करें तो कुछ आप लोगों को इस आसानी हो इस हवाले से। ये एक हदीस जो आयत है, सॉरी, ये हम सूरह हुजरात में पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ी थी कि तुम्हारे खानदानों को मैं जो बनाई है ताकि तुम्हें आपस में पहचान हो, यानी खानदान और बिरादरियों से पहचान के लिए है। इसके बाद ये एक चीज जो इस्लामिक सोसाइटी का बेसिक कंसेप्ट आयत बहुत वाज़े तौर पर बयान करती है, और तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, यानी इबादत का मतलब क्या हुआ कि अब इंसान जो है वो इस्लाम के दायरे में आ गया, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और अपने वालदेन के साथ अच्छा सलूक करो। अब देखें अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो इसमें सारी चीजें बहुत वाज़े हैं, और अहले क़ुराबत यानी खानदान वालों के साथ भी और पास रहने वाले पड़ोसी के साथ और हम मजलिस के साथ भी और मुसाफिर के साथ भी और उनके साथ भी जो तुम्हारे मालकाना कब्जे में है। बिलाशुबा अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने को बड़ा समझते और शेखी मानते हैं। कितनी इम्पोर्टेंट ये आयत है, और ये सूरह निसा की आयत नंबर 3 है गालिबन। ठीक है, इसमें अल्लाह ताला ने पूरा एक सोसाइटी का सिस्टम बता दिया हमें कि हमारी सोसाइटी का बेसिक कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले क्या है कि अल्लाह की इबादत करोगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे। ठीक है, इसका मतलब है कि एक इंसान जब ये एडमिट कर लेता है इस बात को तो वो शामिल हो जाता है इस्लाम, यानी इस्लाम के अंदर आ गया। अब जब इस्लाम के अंदर आ गया तो उसके ऊपर कौन सी चीज़ें हैं जो करनी है उसको, वालदेन के साथ अच्छा सलूक। इंसान के करीब सबसे पहले जो शख्सियात होती हैं वो उसके वालदेन होते हैं, वालदेन के साथ अच्छा सलूक, यानी वालदेन से सलूक अच्छा होगा। उसके बाद अहले क़राबत के साथ, अहले क़राबत में बहन भाई फिर ख़ानदान के जितने लोग होते हैं। ठीक है, ख़ानदान पूरा हो गया, पास रहने वाले पड़ोसी। अब इंसान अगर हम अपना एक इसको कहते हैं कि इंसान के इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं ना वो सारे कुरान की आयत में बयान होते हैं, माँ बाप, खानदान, उसके बाद पास रहने वाले पड़ोसी, हम मजलिस। अगर एक शख्स जो है वो क्लास, यानी आप सब क्लास में बैठे हो ना, तो हम मजलिस का मतलब होता है जो हमारी क्लास में हमारे साथ मौजूद है, उसका भी हम पर हक है कि हम उसके साथ अच्छा सलूक करें। तो हम मजलिस, हम कहीं भी होते हैं, हम कहीं शादी में जाएं, वहां पर हमारे करीब जो बैठा होगा वो भी हमारा हम मजलिस है। आप किसी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल में जो शख्स आपके साथ मौजूद है वो भी आपका पड़ोसी है। ये पड़ोसी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप क्लास में मौजूद हैं, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, वो सारे आपके पड़ोसी। इसी तरह यूनिवर्सिटी के रहने वाले, यानी यूनिवर्सिटी में जितने लोग हैं वो भी आपके हम मजलिस में शुमार होते हैं। यानी जहाँ जहाँ आप बैठते हैं, मजलिस जहाँ आपकी लगती है, वहाँ जो लोग होते हैं वो आपके एहतराम के, आपके सुलूक के मुस्तहिक हैं, और मुसाफिर के साथ भी।
अब देखें मुसाफिर में आगे वकील, इनके साथ भी जो तुम्हारे मालिकाना कब्जे में है, इससे मुराद है गुलाम। अब गुलाम नहीं है लेकिन इससे मुराद हम वो लोग ले सकते हैं जो हमारे अंडर काम करते हैं, वो कहीं हम बॉस हैं और हमारे अंडर कुछ लोग काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉय हैं, तो वो भी इसमें शुमार होते हैं। और इसी तरह हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में जो सफाई के लिए लोग आते हैं या जो भी ऐसे हैं जो हमारे अंडर में आते हैं, सारे लोग इसके उन सब पर ये आयत लागू होती है। ठीक है, तो इस चीज से हमें पता चलता है कि हमने यहाँ पर जब देखा तो इसमें सारे जो जहां जहां एक इंसान, यानी आप सब अपना अपना नाम लेकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेहा है, सायका है, सवालिहा है, राबिया है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जलाल है, सैफ है, जितने भी, आप सब अपने आप को, आप ये एक्टिविटी कीजिएगा कि एक पॉइंट बनाइएगा, उस पर अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, फिर उससे कनेक्शन निकालते जाएं कि आप कहाँ कहाँ कनेक्ट हैं, आपके पेरेंट्स के साथ, इसी तरह आपके बहन भाई हैं, आपके फैमिली के हैं, चचा है, मामू है, खाला है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, जितने हैं, फिर पड़ोस में है, फिर पड़ोस है, फिर आपके फ्रेंड्स हैं, और यहाँ यानी इस तरह जितने भी लोग, तो एक बहुत बड़ा कनेक्शन बनेगा जिसके बीच में आप होंगे, और चारों तरफ बहुत सारे लोग होंगे जिससे आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हैं। अब जहां जहां आपके ये कनेक्शन पहुंचता है ना, वो सारे लोग आपके अच्छे सुलूक के, आपके एहतराम के मुस्तहिक हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी और फिरके के हैं, चाहे वो किसी और मजहब के हैं, वो सब आपके अच्छे सुलूक के मुस्तहिक हैं। ये कुरान ने कह दिया है, सबके साथ एहतराम से रहना, अच्छे सुलूक से रहना। ठीक है, तो ये इस्लामिक जो बेसिक कंसेप्ट है इस्लामिक सोसाइटी का, वो यही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो कर लें, नहीं है? ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब देखें एलिमेंट्स ऑफ फैमिली, जो फैमिली बनती है ना, उसमें तीन तरह के लोग होते हैं बेसिकली, स्पाउस है, पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है। ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, और हमने इंसान को इसके बाप के बारे में हुस्न सुलूक करने की का ताकीदी हुक्म दिया। ताकीद का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को समझाना या फिर कहना उसको। ठीक है, यानी जब हम किसी चीज पर जोर देते हैं ना, किसी चीज पर कि आपने ये काम करना है, तो ये ताकीद होती है। ठीक है, ताकीदी हुक्म का मतलब है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर हम हुस्न सुलूक नहीं करते तो देखिए, इंसानों में वालदेन जो होते हैं ना, एक हमारा एक जुमला बहुत यूज होता है कि पुरानी चीज में से सिर्फ वालदेन ही अच्छे होते हैं, यानी कोई भी चीज जब हम अच्छी नहीं लेते हैं ना तो बड़ी हमें अच्छी लगती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो क्या होता है, वो जब पुरानी हो जाती है तो उसके साथ वो लगाव, वो मोहब्बत खत्म हो जाती है। नो मैम, वो एक बहुत मशहूर है ना बात, ओल्ड इज गोल्ड। यस, अच्छा हम दोबारा आते हैं क्लास में।